हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एवं सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, और आज हम पढ़ेंगे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को जिसमें हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? अक्टूबर 10, अक्टूबर 11, अक्टूबर 12 या फिर अक्टूबर 13। तो अक्टूबर 13 को हमने कल ही पढ़ा था। अक्टूबर 13 को ये आपदा यानी कि वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे या फिर यूएन इंटरनेशनल डे फॉर रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर मनाया जाता है। इस बार की थीम थी विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। बाकी हमने कल पढ़ा था वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे अक्टूबर 12, अक्टूबर 11 इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड अक्टूबर 10 वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था। अगला सवाल है, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @AmanTrivedi और आपको वहां से मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, रिसेंटली आरबीआई हैज ग्रांटेड लाइसेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? में हाल ही में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक को लाइसेंस प्रदान किया है? ऑप्शन है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर इस सवाल का है आपका यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी की तीनों ऑलरेडी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दिया है टू फंक्शन। ठीक है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को हाल ही में लाइसेंस प्रदान किया गया है फंक्शन करने के लिए आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड रेजिलियंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत पे। इन दोनों का संयुक्त रूप से भारत में आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तरह काम करेंगे। यह पहली बार है जब दो साझेदार बैंक बनाने के लिए समान रूप से एकजुट हो रहे हैं। प्रस्तावित व्यवसाय मॉडल सहयोग और खुली वास्तुकला में से एक है जो सभी अपने हितधारकों के लिए सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए एकजुट करता है। अगला सवाल है, व्हाट हैज बीन द रिटेल इन्फ्लेशन इन सेप्टेंबर? सेप्टेंबर में खुदरा मुद्रा स्फीति क्या रही है? रिटेल इन्फ्लेशन क्या रहा है सेप्टेंबर में? तो इसका जवाब है आपका 4.35%। अभी कल ही आंकड़े जारी हुए जिसमें कि 4.35% का रिटेल इन्फ्लेशन सामने आया है। ठीक है, ये काफी कम है। ठीक है, जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रा स्फीति सितंबर में घटकर 4.35% रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रा स्फीति अगस्त में 5.30% और सितंबर 2020 में 7.27% थी। तो इस बार मुद्रा स्फीति काफी घटी है और ये 4.35% रह गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज अनाउंस्ड 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर विच ऑफ द कंट्री? भारत ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर इसका है आपका किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ में भारत की एक मीटिंग हुई है हाल में जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने मीटिंग की है। भारत ने किर्गिस्तान के लिए 200 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है और मध्य एशियाई राज्य में सामुदायिक विकास के लिए छोटी लेकिन उच्च प्रभावशाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा घोषित कई उपायों में से 2 पहलें शामिल थी। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है किर्गिस्तान सोम और राष्ट्रपति हैं सादिर जापरो। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, प्रधानमंत्री हैं अक्षर ममिनी और मुद्रा है टैन। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और मुद्रा है रुपया। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल है और यहाँ पे अभी चूंकि तालिबान का शासन चल रहा है इसलिए अभी हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को नहीं पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन? ये अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित गार्ड ट्रेन का लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपके जापान, चीन, यूएस या फिर जर्मनी। तो आंसर है इसका आपका जर्मनी। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, तो जर्मनी ने विश्व की पहली स्वचालित ट्रेन लॉन्च की है। जर्मनी निम्नलिखित आपका जर्मनी रेल ऑपरेटर ड्यूश बान और इंडस्ट्रियल ग्रुप सीमेंस ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है जो कि सीमेंस एंड ड्यूश बान के कंपनी के सहयोग से हुई है। इसे दुनिया का पहला ट्रेन भी कहा जा रहा है जो कि सेल्फ ड्रिवन है। ठीक है, चलिए
जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, याद रखिएगा सिंजो अबे पहले थे, अभी फुमियो किशिदा हैं और मुद्रा है येन। चीन की राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, मुद्रा है रेनमिनबी। यूएस की राजधानी है आपकी अमेरिका, सॉरी यूएस की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और मुद्रा है डॉलर। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और चांसलर हैं एंजेला मार्केल और मुद्रा है यूरो। अगला सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अरुण कुमार मिश्रा, अमित खरे, हरदीप पुरी या फिर राजकुमार सिंह। तो आंसर इस सवाल का हो जाता है हमारा अरुण कुमार मिश्रा। इन्हें एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल का सीईओ नियुक्त किया गया है। अमित खरे हमने कल पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए हैं। हरदीप पुरी को ऑयल मिनिस्टर नियुक्त किया गया है और पावर मिनिस्टर, सॉरी ये ऑलरेडी हैं, हरदीप पुरी ऑयल मिनिस्टर हैं और राजकुमार सिंह हमारे पावर मिनिस्टर हैं। एनर्जी ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की है। वह देश भर में ईईएसएल के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। ईईएसएल का लोकेशन है, हेडक्वार्टर का लोकेशन है न्यू दिल्ली और फाउंड की गई थी 2009 में। चेयरमैन है के श्रीकांत। अगला सवाल है IEA ने निम्नलिखित में से किस देश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। इंडिया को भारत IEA ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। सदस्यता आमंत्रण इस आलोक में दिया गया था कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे भारत के लिए अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों की आवश्यकता तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? ये 30 मेंबर्स का ग्रुप है जिसमें 8 एसोसिएट नेशंस हैं। इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी की फुल मेंबरशिप कोलंबिया, चिली, इसराइल और लिथुआनिया के पास है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, अगला है भारत पे के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ भारत पे। तो ऑप्शंस हैं आपके हरदीप पुरी, अमित खरे, अरुण कुमार मिश्रा या फिर रजनीश कुमार। तो हमने अभी पढ़ा था ईईएसएल के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के जो सीईओ हैं वो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। अमित खरे प्रधानमंत्री मोदी के एडवाइजर हैं, हरदीप पुरी हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा रजनीश कुमार, श्री रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन हैं। उन्हें भारत पे का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने किताब लिखी थी कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, जिसके बारे में हमने परसों के वीडियो में पढ़ा था, अ बैंकर्स ममायर, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स ममायर, ये भी रजनीश कुमार ने ही लिखी है। तो फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष चुना है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष मुख्य व्यावसायिक और नियामक पहलों पर कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वह भारत पे की दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति को परिभाषित करने में भी भाग लेंगे। सीईओ ऑफ भारत पे कौन है? अश्नीर ग्रोवर। और हेड ऑफिस भारत पे का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। भारत पे वॉज फाउंडेड इन 2018 में भारत पे बना था। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसके सीईओ हैं अश्नीर ग्रोवर। अगला सवाल है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, अमित खरे, राजेश बिंदल या फिर रजनीश कुमार। तो आंसर इस सवाल का हो जाता है हमारा अरुण कुमार मिश्रा। इसका जवाब भी है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा चीफ जस्टिस थे हमारे पुराने, ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो अरुण कुमार मिश्रा दूसरे हैं, ये असल वाले ये दूसरे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं ये। अमित खरे प्रधानमंत्री मोदी के एडवाइजर हैं। राजेश बिंदल यूपी के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए हैं, जो जस्टिस हो गए हैं, चीफ जस्टिस हो गए हैं। रजनीश कुमार एसबीआई के पूर्व चेयरमैन और भारत पे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका आंसर है हमारा अरुण कुमार मिश्रा। और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और NHRC के अध्यक्ष की उपस्थिति में 12 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकारों के संरक्षण और हाशिए के पे जो लोग हैं उनकी गरिमा के संरक्षण के लिए किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, चीफ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा निशानेबाज IIISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के एकल संस्करण में सबसे अधिक पदक जीतने वाला
पहला भारतीय बन गया है। ऑप्शन हैं सिंगना सिंगराज अदाना, मनु भाकर, मनीष नरवल या फिर अवनी लेखारा। तो देखिए आपके मनीष नरवल, अवनी लेखारा और सिंगराज अदाना ये तीनों के तीनों पैरालंपियंस हैं और इन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल्स जीते थे। अवनी लेखारा ने सिल्वर और ब्रॉन्ज दो मेडल्स जीते थे, सिंगराज अदाना ने सिल्वर और ब्रॉन्ज दो मेडल जीते थे, इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज दो मेडल जीते थे, मनीष नरवल ने भी मेडल जीता था। इसका आंसर है हमारा मनु भाकर। मनु भाकर सिर्फ 19 ईयर्स की हैं और इन्होंने पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने सिंगल ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो मनु भाकर इज द राइट आंसर। इतनी बड़ी टीम है हमारी, इन सारे लोगों ने मेडल्स जीते हैं, काफी ज्यादा मेडल्स भारत के आए हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है राइफल पिस्टल शॉटगन की, जो कि लीमा में हुई, पेरू के लीमा में आयोजित की गई थी। भारतीय निशानेबाजों ने पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के लिए 43 पदक के साथ ऐतिहासिक जीत का दावा किया, जिसमें 17 स्वर्ण जीते, 16 रजत जीते और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 21 पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। इस बीच मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के एकल संस्करण में 5 पदक के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज का एक मील का पत्थर रिकॉर्ड बनाया है। इनमें से 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ISSF मुख्यालय है म्यूनिक्स जर्मनी में और ISSF की स्थापना हुई थी 1907 में। ISSF के अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन, नाम याद रख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन से मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as Tunisia's first female prime minister? ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है लीला जाफेली, सिंघेम बोगदिरी नेमसेया, समीर सईद, नजला बोडेन रोमधाने। तो इसका आंसर है नजला बोडेन रोमधाने। इन्हें ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने 29 सितंबर 2021 को विज्ञानी नजला बोडेन रोमधाने को ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। यह कदम 2 महीने बाद आया जब राष्ट्रपति ने व्यापक शक्तियों को जब्त कर लिया और अंतरिम सेवारत प्रधानमंत्री हिचेम मोचिची को बर्खास्त कर दिया, संसद को निलंबित कर दिया गया और 25 जुलाई को खुद न्यायिक शक्तियां प्रदान की। तो ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है नजला बोडेन रोमधाने। ट्यूनिशिया कहाँ पर है? अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये अफ्रीका में ऊपर की तरफ कंट्री है ट्यूनिशिया। यहाँ की कैपिटल है ट्यूनिश, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार, ऐसे ही रखना चाहिए कैपिटल, याद करने में बड़ा आसानी है। चलो, IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक अक्टूबर 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शन है 9.5%, 8.3%, 9.7% या 9.1%। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अकॉर्डिंग 9.5% रहने वाली है, RBI के अकॉर्डिंग अभी 9.5% रहने वाली है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 8.3%, फिच के अनुसार 8.7% और फिक्की के अनुसार 9.5% रहने वाली है। तो इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.5% इन 2021 एंड 8.5% इन 2022 एज पर द लेटेस्ट प्रोजेक्शंस बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 रिलीज्ड ऑन 12 अक्टूबर 2021। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। एक चीज इसमें जो सबसे याद रखनी है वह है चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम, वो है गीता गोपीनाथ। अगला सवाल है, नासा के लिए कौन सा देश 20 किलो का चंद्र रोवर बना रहा है? तो ऑप्शन है इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो नासा के लिए जो रोवर बना रहा है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। US की राजधानी है वॉशिंगटन DC और राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। और ऑस्ट्रेलिया इज द राइट। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वो 2026 तक ऑक्सीजन की तलाश में नासा के लिए 2026 की शुरुआत में चंद्रमा पर ले जाने के लिए एक अर्ध स्वायत्त चंद्र रोवर का निर्माण करेगा। ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी के उप प्रमुख एंथनी मार्फेट ने कहा कि नासा उस तकनीक से प्रभावित हुआ है जिसका इस्तेमाल उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में खदानों से लौह अयस्क परिवहन करने के लिए 1600 किलोमीटर विशाल डंप ट्रकों से दूर नियंत्रित करने के लिए किया गया था। अगला सवाल है कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारत में वंचित छात्रों को 20,000 डिजिटल डिवाइस प्रदान करेगी? ऑप्शंस हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बायजूस या फिर नायका। तो आंसर इस सवाल का है अमेजॉन। अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस और अमेजॉन भारत में वंचित छात्रों को 20,000 डिजिटल डिवाइस प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन एंड बिन्नी बंसल और बायजूस के फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन और नायका की फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर। ठीक है,
तो अमेजॉन इंडिया ने 12 अक्टूबर 2021 को घोषणा की कि वह भारत में वंचित समुदाय के छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाने के लिए 20,000 डिजिटल डिवाइस प्रदान करेगा। ठीक है, अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, मनीला, बीजिंग या फिर टोक्यो। तो आंसर इस सवाल का है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख 12 अक्टूबर 2021 को घोषणा की कि ऋणदाता अपने जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों को $20 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $100 बिलियन के नए लक्ष्य तक ले जाएगा। तो चूंकि अभी नया डेवलपमेंट हुआ, इसलिए हमने इसके बारे में बात करी। एशियाई विकास बैंक, इसके राष्ट्रपति हैं मास सुगु अस्कावा और मुख्यालय है इसका मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो में मुझे आशा करता हूँ आपको जितना पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं @AmanTrivedi, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।